मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे, हर इंसान की दो आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की, भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की, ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है, हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा, हमारा देश इतना अच्छा है। और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है ये इससे हमें ये सबक लेना चाहिए, अगर आपके मन में कभी भी किसी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। थैंक यू।